कुर्सी ले बेटा कोई नहीं मेरी कुर्सी कुर्सी इधर ले पांच ले आ जाओ ना चल जा पीछे मन को बैठे रहे चलो भाई ना आओ इस तरह मित्रों हिंदी चाहिए पंजाबी ऐसा है हर इंसान के जहन में पंजाब में एक ही शब्द है बदलाव चेंज एंड चेंज इज नॉट नेसेसरली प्रोग्रेस बदलाव नेसेसरली प्रोग्रेस नहीं होता लेकिन अगर वो जीवन बेहतर कर दे और प्रगति की ओर चला जाए तो फिर जो बेहतर है उसे स्वीकारा सबने। और आज मुद्दा ये है कि अगर पंजाब में माफिया मरता है तो पंजाब की इनकम होती है और वो एक कल्याणकारी स्टेट में तब्दील हो सकता है। अब जो प्रूवन माफिया हैं वो सिद्धू को हराने यहाँ आए हैं और उन्हें मुंह तोड़ दबाव मिल रहा है, हर रोज मिल रहा है। इनकी तरफ जाना इज अ रेट्रोगेट स्टेप। इनकी तरफ जाना मतलब आप पिछले 25 साल की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, आप प्रगति की तरफ नहीं, विकास की तरफ नहीं, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए लोग ये समझते हैं कि हमें एक सिस्टम को बदलना है और वो सिस्टम और माफिया को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस माफिया को जाना होगा। जिस पुल पे आप बैठे हैं आज से करीब करीब 10 साल पहले प्रकाश सिंह बादल के साथ मेरी लड़ाई हुई थी और मैं यहाँ मरण व्रत के ऊपर बैठने आया था, आपको सबको याद होगा जो अमृतसर से। मैंने तय कर लिया, मेरी घरवाली भी मुझे कहे नहीं 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 अपनी सरकार है, लेकिन मैं दही दाव पे लगा के यहाँ आया था। बादल ने रात को इस्तकबाल किया और हर अखबार में खबर छपी कि ये पांचों पुल बनेंगे। ऐसा मीसना बुढ़ा है कि एक महीने बाद बदल गया। ये लोग नकारात्मक हैं, लोगों के काम रोक देते हैं ताकि किसी को क्रेडिट ना मिले। ये क्रेडिट का सवाल नहीं, आपने अमृतसर के लोगों के काम रोके और एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड बादल्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो आया, उसको मैंने 170 करोड़ रुपए दिए, अमृतसर की जमीनें बिकी थी 170 करोड़ रुपए दिए पांचों पुलों के। उसने नीचे से मैसेज दे दिया सिद्धू के काम रोक दो। अरे सिद्धू के काम नहीं है ये श्री अमृतसर साहब के लोगों की सहूलियत के काम है। और आज देखिए ये कंप्लीट है, मैं जाके देख रहा हूँ, अगर आज ही शुरू करना पड़ा मैं आज ही शुरू कर देना है ताक। ये मेरा सपना था और ऐसे मैंने करीब करीब 12-15 पुल बनवाए, आप समझ लीजिए। ये किचलू चौक भी तभी मैंने बनवाया था, लेकिन एक फॉरेस्ट चौक बार बार अड़िंगा लगाते हैं। मतलब ये लकीर लंबी नहीं करते अपनी, ये दूसरों की लकीरें मिटाते हैं। दे वॉन्ट टू स्विम इन दी रेड ओशन। मारो काटो, लोगों के काम रोक दो, क्रेडिट किसी लीडर को उठने मत दो। तो ये इनकी राजनीति है, इसलिए प्रगतिशील राजनीति के लिए ये मेरा अमृतसर के लिए ईस्ट के लिए मैंने क्या किया और आगे 5 साल में क्या करूँगा। सिद्धू एक दूसरे को ऊटपटांग बोल के मुद्दों से भटकाने नहीं आया, सारी उम्र मैंने मुद्दों पे पहरेदारी की है और आने वाले समय में भी सवाल मुद्दों के ही होंगे और मुद्दे मैं उठाता रहूंगा। सबसे बड़ा सवाल है कि हम माफिया को ख़त्म करेंगे या नहीं, क्योंकि वो माफिया के जेब में जो पैसे जाते हैं वो अगर स्टेट के खजाने में आते हैं तो पंजाब खुशहाल हो जाएगा, खुशहाली की राह पे चल देगा, और एक बार उल्टी राह पे चल दो तो सीधी राह पे आना मुश्किल होता है। लेकिन उसका रोड मैप गेम प्लान दिया है। बिल्कुल, मैं क्या पढ़ना नहीं, तुसी पढ़ो। देखिए एक तो हमारी महिलाओं को मिलेगा सम्मान, बेटियों को मिलेगी पढ़ाई और हर पड़ाव पे इनाम और सम्मान।
शिकायत निवारण प्रणाली, मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क, 170 सरकारी सुविधाएं फ्री आपके कंप्यूटर पे, डिजिटल पंजाब में, मजदूर भलाई अते शहरी रोजगार दी गारंटी, 5 लाख रोजगार हर साल, 1 लाख हर साल, 1 लाख 6 महीने विच होंगे सारे कच्चे मकान पूरे। ये सरकारी जो कुछ भी है ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये देखो, ये 13 पॉइंट है जो मैंने कहा था बाबा नानक के नाम पे 13 13 13, ठीक है। उसके आगे अमृतसर ईस्ट के लिए क्या किया और क्या करने जा रहा हूँ, ये सारा आपके साथ पड़ा है। अब मैं ये भंडारी पुल जाके देखूंगा और ये मैं आपको बता दूं कि बादलों की तरफ और कैप्टन की तरफ जाना मतलब बैक गियर लगाना, और अगर बदलाव की तरफ जाना है तो ये शख्स सामने खड़ा है प्लान के साथ, नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आप ऊपर ईमानदारी बिठाएंगे, ईमानदारी नीचे तक जाएगी, और ऊपर आपने चोर बिठा रखे थे 25 साल, नीचे तक जाती थी। और आम आदमी पार्टी की तरफ जाना आपके सामने ही आ जाएगा। सिद्धू साहब, आपका एक एक प्रोजेक्ट था आपका सीसीटीवी कैमरे का। सिद्धू साहब, सीसीटीवी कैमरे का प्रोजेक्ट सिद्धू साहब थोड़ा, सिद्धू साहब सीसीटीवी का प्रोजेक्ट जी का थोड़ा, ओदे बारे में पुछया नहीं। वेखो जी, सिद्धू साहब ने ईस्ट च की काम किए ते की गां करने आ, वह अज जारी किया पत्र, मैं तुहानू पत्र भी सारिआं नूं दिंदा आ। सो ये पत्र उन्हें जारी किया जदों इधरों आए तो ज्ञानी ट्री स्टाइल आगे जाम सी, उन्होंने जदों इतों अं पुल की विजिट रखी सी क्योंकि अजे थोड़ा जिहा काम रहिंदा होण वाला, लुक पैनी सी, असीं इहदी सलाह लैनी सी वी इहदे च डिवाइडर पाया जाए ना पाया जाए, नाल असीं ठेकेदार भी बुलाया सी, पर जदों जाम लगा वेख्या तो उन्होंने ये खोलता। उन्होंने पुछे पहलां भी इहनू की मुश्किल की, असीं कहा जी पुल सारा रेडी आ, सिर्फ 7-8 घंटे का जां 2-3 दिन का काम, मतलब वर्किंग आवर 2-3 दिन के काम नू आपां लईए ते लोग सिर्फ रह गई पैनल ही, बाकी रेडी आ क्योंकि यदि वो मजबूती आ। वेखो हुण गड्डियां लंघन दियां ने, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं, यह गुरु नगरी दे संगत या रब दा रूप ने, यह लंघन डए ने, तो मैनू खुशी आ भी ये लंघन डए ने। मैं इन्हां नू रिलीफ देन च मेरा भी कोई निक्का जिहा योगदान रहा आ, मैं खुशकिस्मत हाँ। वो सिद्धू साहब ने आ के आप ही बैरीकेड हटाते ने, सो मतलब मैं नहीं समझता ये गुरु नगरी के भले का काम है, ये कोई विरोधी भी गुरु नगरी का भला। वेखो मैं एक गल दस देना, मैं 5 साल BJP च भी रहा, कोई भी पार्टी नहीं चाहती गुरु नगरी का नुकसान होवे, कोई भी पार्टी भावें कांग्रेस आ भावें झाड़ू आ भावें BJP भावें अकाली दल आ, मैं समझना बिक्रम होनी भी नहीं चाहणगे भी गुरु नगरी नूं जे कोई रिलीफ मिलता तो उहदा विरोध किया जाए। मैं नहीं समझता जिहड़ा सियाणा बंदा जिहड़ा आपां वेखो लीडर जाके वोटां च कहिंदे ने मैं लीडर नहीं मैं सेवक हाँ, तो जे वाकई सेवक ने तो फिर गुरु नगरी नूं आ वेखो रेहड़ी वाला निकल दिया, इहनूं रिलीफ ही मिलिया ना, तो जे गुरु नगरी नूं रिलीफ मिलिया जे इहदा कोई विरोध करदा आ तो फिर वह सेवक किदां होया। सो मैं समझदा बिक्रम हुणी भी इस चीज़ का विरोध नहीं करनगे क्योंकि यह गुरु रामदास की नगरी नूं रिलीफ मिलिया ना कि दमन नूं मिलिया ना सिद्धू नूं ना बिक्रम मजीठिया नूं, तुसीं मीडिया वाले भी लंघ दे जे तुहानूं भी पता जाम आ। सो मैं नहीं समझदा कोई भी नहीं, आप कोई उद्घाटन नहीं किया, मेरी सेल बनी पई है दफ्तर, आप कोई सेल नहीं लाई अजे, यदा काम रहिंदा जो आप रात नूं अजे काम करना, अजे काम होना आ, यदा काम होना अं रात नूं करना, अं तो सिर्फ पब्लिक नूं रिलीफ दित्ती आ, असीं किसी भी दिन वेले जे कोई बहुत एमरजेंसी होया तद होगा, नहीं तो नहीं, 24 तरीक तक तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाना, ठीक है ना। इस करके इनू मतलब असी पब्लिक नू रिलीफ देता है, अं कोशिश करेंगे जिहड़ा काम करने वाला वो रात नू करिया। वेखो रेहड़ियां वाले निकल रहे ने, इह संगत आ ना, कल जिहड़ा आम आदमी पार्टी वालों हल्के ईस्ट दा जिहड़ा अपना मनोरथ पत्र जारी किया गया, कितने उन्होंने वेख के तो नहीं फटाफट इन्हें खोल दिता गया? नहीं 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 नहीं, वह वेखो ये तो पुल बनया अज ना खोल दे, भी नू लंघन तो बाद भी मैं इदा ही आके खोलना सी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट उद्घाटन तो होना नहीं, खोलना तो इदा ही कोई दिक्कत नहीं होना। वेखो पब्लिक निकलन दी है, साढ़े प्रेस वाले वीर ही निकलन दे ने, सो ये आ खुल गया जी, राह सारे खुल गया, आ 2 दिन च असीं इहदे ते भी लुक पा के इहनूं भी चला देना, हुण इहनूं 2-2 वे वेखो किन्नी पब्लिक इधरों आउण दी आ, इहदा रिलीफ रहूगा। हाँ, ये मैं अमृतसर के निवासियों दसना चाहना कि जेड़े लोग
ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਐਂਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲਗੇੜ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਟਾਰੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿੰਦ ਰੋਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਗੇੜ ਪੁਲ ਤੱਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਉਹਦੇ 'ਚ 50-70% ਕਟੌਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਸ ਜੇਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟੂ ਵੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਟੂ ਵੇ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰੀਆ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਉਹ ਵੇਂਦਿਆਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੈਮ ਗਾੜੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਇੱਕਦਮ ਫੁਹਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਦੇ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ ਖਿਲਾਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਐਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਗਈ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹ ਟੂ ਵੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋ ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਡਰ हाँ वो अभी इसी का इसको कर रहे हैं इसका पूरा साइन बोर्ड वगैरह हाँ आपकी बिल्कुल बात सही है इसको टू वे करेंगे इसका एक्चुअली अभी ये कंप्लीट नहीं है इसको 2-3 दिन लगने इसका प्रॉपर साइन बोर्ड इसका डिवाइडर सारा कुछ लगवा के सर अब जगह है ही नहीं तो अगर सहूलत तो देनी है आप सोचो इतनी भी ना दें बंद कर दें इसको।